भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसी कामयाबी जिसके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी अब तारीफ हर जगह हो रही है। दरअसल अब हिंदी भाषा का डंका विदेशों में बजेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कामकाज में अब हिंदी भाषा को जगह मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 जून को भाषा को लेकर भारत की तरफ से पेश किया गया प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी भाषा को भी प्राथमिकता मिलेगी। ये खबर आज उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी को मिला ये सम्मान भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनमें अरबी, चीन की मैंडरीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। लेकिन अब इनमें हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी जानकारी यूएन की वेबसाइट पर अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और इसी ताकत को देखते हुए हिंदी भाषा को ये बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है। 2018 में भारत ने इसके लिए एक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन हिंदी एट यूएन। उस समय भी भारत की पहल को कहीं ना कहीं कामयाबी मिली थी, क्योंकि उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने यूएन हिंदी नाम से एक ट्विटर पेज बनाया था जहां सारी जानकारी हिंदी में दी जाती है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.